अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक डिवाइस बनाया है छोटा सा, जिसकी मदद से आप कोई सा भी पावर सप्लाई, चार्जर वगैरह रिपेयर कर सकते हो, लेकिन छोटे होने चाहिए। डिवाइस छोटा है इसलिए छोटे डिवाइस ही रिपेयर हो सकते हैं इसे। इसकी ख़ास बात यह है कि आपको शॉक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो लगता है वो नहीं लगेगा, खाली एक बार जब आप टच करोगे तो शॉक नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ पर एक फ्यूज़ भी यूज़ करना है। इस तरह मैंने यहाँ पे इनपुट वायर लगा दी है, यहाँ पे इसको बांधेंगे ताकि ये बाहर ना निकले। और आपको क्या करना है, एक वायर जो है ना इस पर फ्यूज़ पे कनेक्ट करना है। फ्यूज़ की मदद से हम देंगे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड से, ये यहाँ पे मैंने दिया है इस तरह से। दोस्तों अगर आपको बड़े डिवाइस रिपेयर करने हैं तो आपको हाई एम्पियर के ट्रांसफार्मर यूज़ करने हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 एम्पीयर के दो ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं, मतलब इससे हम खाली छोटे से डिवाइस रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वो जो फर्स्ट वाला जो ट्रांसफार्मर, इसकी एक लाइन यहाँ पे मैंने फ्यूज़ से कनेक्ट की है और दूसरा डायरेक्ट इस कॉर्ड के लाइन से कनेक्ट करना है इस तरह दोस्तों। तो ये एक तरह की आइसोलेशन पावर सप्लाई बन गई, इसलिए हमको करंट नहीं लगेगा। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सायर और सेकंड ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सायर आपस में कनेक्ट करना है इस तरह। एक लाइन कनेक्ट हो गई, अब दूसरी लाइन यहाँ से इस तरह कनेक्ट करते हैं। अब सेकंड ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सायर इस सॉकेट से कनेक्ट करना है, यहाँ से आउटपुट निकलेगा। इनपुट लाइन मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज 160 के करीब आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बीच में कितना आ रहा है, यहाँ पे 22 वोल्ट के करीब आ रहा है। आउटपुट पे देखते हैं 200 के करीब आ रहा है, अब ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 22 वोल्ट आ रहा है। अब अगर यहाँ पे हम टच करेंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे मैंने दोस्तों एक लोड कनेक्ट किया है, ये तो चल रहा है। अब दोस्तों मैंने टॉर्च को चार्ज पर लगाया और उसी टाइम मैं हाथ भी इस पे लगा रहा हूँ और ज़मीन पे मेरा पैर है, तब भी नहीं लग रहा है करंट, आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अब